बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के लेक्चर की सीरीज में हमने जो पहला लेक्चर दिया था वो क्रोमोसोम्स के इंट्रोडक्शन पे दिया था, जिसमें हमने क्रोमोसोम्स की डिफिनीशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने क्रोमोसोम्स की टाइप्स को और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को भी डिस्कस किया था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन को डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था कि डीएनए एज हेरेडिटरी मटेरियल, कि क्या डीएनए ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है या नहीं। क्योंकि हमें यह पता 1910 तक हमें यह पता चल चुका था कि क्रोमोसोम्स ही करैक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया। फिर जब हमें क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन का पता चला कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन में डीएनए भी होता है क्रोमोसोम के अंदर और प्रोटीन भी मौजूद होती है, तो अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि क्रोमोसोम्स करैक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए भी है और प्रोटीन भी है, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो करैक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है, या डीएनए या प्रोटीन के अलावा आरएनए तो करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर नहीं करता। अब ये क्वेश्चन पैदा हो गया। इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमने प्रीवियस दो लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें पहला जो लेक्चर था, जो पहला एक्सपेरिमेंट था, जो इस बात को प्रूफ कर रहा था कि इन तीनों में से कौन सा जो पार्ट है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करना है। पहला जो हमारा जो इस सीरीज में हेरेडिटरी मटेरियल में जो लेक्चर था वो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था, जो इस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल या हेरेडिटरी मटेरियल है। फिर उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो मैकार्टी का था, जो क्या करता था, जिसका नाम था एवरी एक्सपेरिमेंट, जो हमें यह बताया उस एक्सपेरिमेंट ने कि जो करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करता है असल में वो डीएनए ट्रांसफर करता है, जिसमें उसने डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए। अगर वो प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लें ताकि आपका कंसेप्ट बने। ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लेक्चर्स हैं, तो पहले अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देखें। आज हम थर्ड एक्सपेरिमेंट जो के हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से बड़ा ही फेमस है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है और ये कैसे प्रूफ करता है कि डीएनए ही करैक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पर जाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना होंगे ताकि ये प्रोसेस हमें समझ आए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट का। हर्शी और चेज का कंप्लीट नेम क्या था, इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज 1952 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसमें इन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया और बैक्टीरिया लिया, और तीसरा जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए कंपोनेंट लिया वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए। अब वन बाय वन इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं, देन फिर अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज क्या है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरस है, यह बात याद रखना है, लेकिन इन्फेक्ट किसको करता है,
इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ये बात आपने अपने माइंड में रखी। ये नहीं समझना कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है, नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इस वजह से इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड फेज मीन ईटर को कहते हैं। सो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, इस वजह से इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियोफेज क्लियर है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करेगा, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। अगर बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इसके बाहर प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, और इसके अंदर सिंपल जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है। सिंपल सी स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज यानी वायरस के अंदर डीएनए है, और बाहर उसको किस चीज ने कवर किया और प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो प्रोटीन है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, वायरस की जो कैप्सिड है या प्रोटीन है, इसमें सल्फर भी पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सल्फर का नाम लूं इस एक्सपेरिमेंट में, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सल्फर प्रोटीन के साथ मिला हुई कोई चीज है जो किसकी कैप्सिड बना रही है, जिसकी प्रोटेक्शन कर रही है, वायरस की, जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है। और दूसरा डीएनए है, और डीएनए में आपको पता है कि फास्फोरस होता है। ये दूसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम बैक्टीरिया है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया के साथ आकर अटैच होता है इन फाइबर्स की मदद से, और अपना जेनेटिक मटेरियल को, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करके अपने ही जैसे बैक्टीरियोफेज इसके अंदर बनाता है और इस सेल को तबाह कर देता है। इस पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूं। बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरिया के साथ आकर अटैच होगा, और अटैच होते ही अपने डीएनए को यहां से ट्रांसफर करके किसमें इंजेक्ट करेगा, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करेगा, और बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे वायरसेस यानी बैक्टीरियोफेज बनाकर इसको बर्स्ट कर देगा। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किसको कहते हैं, तो आई होप आप जानते होंगे कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो उसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उसका मास नंबर डिफरेंट कर दे तो वो उसका आइसोटोप्स कहलाता है। अब रेडियोएक्टिव आइसोटोप का क्या मतलब, कोई भी एलिमेंट है उसका ऐसा आइसोटोप बना दे कि वो रेडिएशन को इमिट करे। रेडियोएक्टिव आइसोटोप कौन से आइसोटोप होंगे जो रेडिएशन को इमिट करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे, ये बात आपकी क्लियर है। अब सल्फर का एक आइसोटोप है जो S35 कहलाता है, और ये S35 क्या है, रेडिएशन को इमिट करता है क्योंकि ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। और सल्फर का जो नॉर्मल एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक मास नंबर है, नॉर्मल है, जब वो स्टेबल होता है तब उसका जो मास नंबर है वो होता है 32, लेकिन जब इसको रेडियोएक्टिव बनाया जाए तो इसका जो होगा S35 होगा। दूसरा जो है वो फास्फोरस है। फास्फोरस का जो नॉर्मल मास नंबर है वो होता है P30, लेकिन ये फास्फोरस का आइसोटोप है P32, यानी कि ये फास्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो रेडिएशन को इमिट करेगा। ये सल्फर का आइसोटोप है जो रेडिएशन को इमिट करेगा, लाइट को इमिट करेगा। ये फास्फोरस का आइसोटोप है P32 जो रेडिएशन को इमिट करेगा। ये आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। अभी एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाते हैं। अभी क्या किया जी, जो हर्षी और चेस था उसने क्या किया, सल्फर को लेबल कर दिया प्रोटीन के साथ,
बैक्टेरियोफेज के, क्योंकि प्रोटीन के साथ सल्फर होती है, इस वजह से जो सल्फर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को बैक्टेरियोफेज के प्रोटीन के साथ लेबल कर दिया, और फास्फोरस को किसके साथ लेबल किया होगा? तो डेफिनेटली आपके माइंड में यही आया होगा कि फास्फोरस को बैक्टेरियोफेज के डीएनए के साथ लेबल किया है। क्यों? क्योंकि डीएनए में फास्फोरस है, क्लियर है। इस वजह से अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर हमें यह बताएं कि यहां पे ये दोनों आइसोटोप ही क्यों यूज किए, कोई और आइसोटोप भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आइसोटोप हैं, तो इसकी क्या रीजन है? इसकी यह रीजन है कि क्योंकि एक्सपेरिमेंट बैक्टेरियोफेज पे हो रहा है और बैक्टेरियोफेज में सल्फर भी है और फास्फोरस भी है, तो हमने आइसोटोप कौन से यूज करने हैं? सल्फर और फास्फोरस के, ताकि हम उसको उनके साथ लेबल कर दें। यह क्लियर है? अच्छा जी, अब जी दो मीडियम लिए गए, एक मीडियम में भी बैक्टीरिया को रखा गया और दूसरे मीडियम में भी बैक्टीरिया को रखा गया। एक में उस बैक्टीरियोफेज को डाला गया जिसमें P32 लेबल था, और आपको पता है कि फास्फोरस को, जो फास्फोरस का P32 है, उसको हम किसके साथ लेबल करेंगे फास्फोरस को? तो फास्फोरस को हम डीएनए के साथ लेबल करेंगे। तो क्या किया जी, फास्फोरस को लेबल कर दिया गया, ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था, लेबल करने के बाद देखा गया कि बैक्टीरिया ने बैक्टीरियोफेज ने अपना जो मटेरियल था वो सेल के अंदर भेज दिया है, और भेजने के बाद अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना दिए, यानी वायरसेस बना दिए, और वायरसेस बनाते ही अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव डीएनए भी मौजूद है, क्योंकि ये डीएनए, इन्हीं से ये डीएनए बने हैं, अंदर आया है और अंदर आने के बाद इस डीएनए की रिप्लिकेशन हुई है और बहुत सारे डीएनए बने और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बने हैं। इसी तरह उसने क्या किया, दूसरा मीडियम लिया और दूसरे मीडियम में बैक्टीरिया लिया, और बैक्टीरिया को सल्फर, बैक्टीरियोफेज को S35 के साथ लेबल कर दिया, और सल्फर को बैक्टीरियोफेज के कौन से पार्ट के साथ लेबल करेंगे? तो डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा कि सल्फर दो प्रोटीन के साथ मौजूद है, तो इसको हमने लेबल करना है कोट के साथ, यानी के बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड के साथ या प्रोटीन के साथ। सो क्या किया जी, सल्फर P35 को इसके कैप्सिड के साथ क्या कर दिया, लेबल कर दिया। फॉर एग्जांपल ये लेबल कर दिया, डीएनए के साथ नहीं किया। अब जी कुछ टाइम बाद इसको भी ऑब्जर्व किया गया और इसको भी ऑब्जर्व किया गया। ये इसका मीडियम है, ये इसका मीडियम है और ये इसका मीडियम है, दोनों को कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद हमें यह पता चला कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था P32, वो हमें बैक्टीरिया के सेल के अंदर नजर आया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो P32 हमने डीएनए को लेबल किया था बैक्टीरियोफेज के, कुछ देर बाद हमें यह नजर आया कि ये जो P32 है, ये P32 जो है वो कहां पे है? P32 बैक्टीरिया के अंदर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बाहर से क्या चीज अंदर आई है? तो बाहर से इसका यह मतलब है कि ये जो रेडियो एक्ट, जो हमने रेडियो एक्टिव लेबल P32 के साथ डीएनए किया था, ये डीएनए अंदर ट्रांसफर हुआ है, कैप्सिड ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा जी, तो इसका क्या मतलब हुआ, P32 जो है हमें मिला फाउंड इन बैक्टेरियल सेल के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, जो हमने लेबल किया था कैप्सिड के साथ, यानी इस प्रोटीन के साथ,
तो हमें कुछ देर बाद हमने देखा तो सेल के अंदर रेडियो एक्टिव P35 हमें नजर नहीं आए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ, अगर कैप्सर्ड ये वाले जो अंदर कैप्सर्ड हैं, अगर ये वाले भी P35 के साथ लेबल होते, तो इसका यह मतलब था कि बाहर से बैक्टेरियोफेज जो आया था उसने अपना डीएनए भी अंदर इंसर्ट किया है और अपने कैप्सूल को भी इंसर्ट किया है। लेकिन ये जो S35 था, ये हमें बाहर मीडियम में बाहर ही नजर आया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि बैक्टेरियोफेज आया है और बैक्टेरियोफेज ने अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट किया है और प्रोटीन को बाहर ही रखा है, और जो डीएनए अंदर आया है इसने बहुत सारे बैक्टेरियोफेज बना दिए हैं और करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने वाला प्रोटीन नहीं, डीएनए है। अगर प्रोटीन होती तो ये प्रोटीन तो अंदर आई ही नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होंगे? इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं कि क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि P32 को जो लेबल किया तो कुछ देर बाद वो लेबल हमें अंदर नजर आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि P32 ही सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। यहां पे हमने S35 को लेबल किया प्रोटीन के साथ, तो S35 हमें फिर भी बाहर ही नजर आया, अंदर फिर भी नहीं नजर आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि S35 बाहर ही रहता है, अंदर बैक्टीरिया डीएनए भेज के बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना देता है, वायरस अंदर भेज के बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना देता है, और करेक्टरिस्टिक्स को जो कैप्सर्ड है या बाहर वाली प्रोटीन है वो ट्रांसफर नहीं करती। तो इस बात से ये कंफर्म हो चुका था कि बैक्टीरियोफेज का सिर्फ डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर जाता है, प्रोटीन नहीं जाती, और करेक्टरिस्टिक्स को सिर्फ डीएनए करता है। अब इसको मैं जस्ट रिवाइज करता हूं, फिर उसके बाद हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे। हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट ये बात प्रूफ कर रहा था कि क्या बैक्टीरियोफेज में डीएनए करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करता है या बैक्टीरियोफेज में जो प्रोटीन है वो करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करती है। इस पर्पस के लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरिया लिया और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए, जिसमें S35 एंड P32 लिए। लेने के बाद P32 को उन्होंने बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ लेबल कर दिया, और S35 को उसने बैक्टीरियोफेज के कैप्सर यानी प्रोटीन के साथ लेबल कर दिया। तो कुछ टाइम बाद देखा कि उन्होंने P32 जो डीएनए के साथ लेबल किया था वो P32 सेल के अंदर नजर आए, फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, तो इसका मतलब है डीएनए अंदर आ चुका है। जबकि S35 को जो प्रोटीन के साथ लेबल किया था वो डीएनए, वो हमें सेल के अंदर नजर नहीं आए बल्कि बाहर मीडियम में नजर आए, S35 फाउंड इन मीडियम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर S35 वाला लेबल प्रोटीन अंदर नहीं गई, अगर अंदर जाती तो हमें अंदर S35 नजर आता। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करते हैं। प्रोटीन के साथ किस चीज को, कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेबल करेंगे? डीएनए को, डीएनए के साथ कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेबल करेंगे? फिर डीएनए जो P32 है वो हमें बैक्टीरियल सेल के अंदर नजर आएगा या बाहर नजर आएगा, और S35 हमें कहां पे नजर आएगा? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।